सो एज वी नो हमारा जो अटेम्प्ट है फॉर द मे 2024 थाउजेंड ट्वेंटी फोर इज नाउ ऑलमोस्ट अप्रोचिंग और कुछ समय रह गया है तो ये वो समय है जहाँ पर हमें थोड़ा सा स्ट्रैटाइज होके पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक स्ट्रैटी जहाँ पर आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द पेपर नंबर थ्री ऑफ योर ग्रुप One, that is the taxation. अगर आप इस स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो मिनिमम फिफ्टी मार्क्स आप आराम से क्या कर सकते हैं स्कोर कर सकते हैं करना क्या होगा वो सब करना होगा जो मैं आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के अंदर बताऊंगी तो वेट किस चीज का है बॉस लेट्स गिट स्टार्ट ओके सो फर्स्टली स्टार्टिंग विद पार्ट वन ऑफ योर पेपर जो कि है इनकम टैक्स राइट नाउ एज वी नो जब भी टैक्सेशन सब्जेक्ट माइंड में आता है सो दीज टू पर्टिकुलर दैट इज इनकम टैक्स एंड जीएसटी बहुत ही ज्यादा हमें परेशान कर देते हैं तो सबसे पहले जब भी बेटा आप प्रिपेयर कर रहे हो स्टार्ट विद द जीएसटी जीएसटी पोर्शन जो है वो आपको ईजली मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करता है बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इनकम टैक्स को छोड़ देना है तो इसलिए पहले मैं आपको इनकम टैक्स की स्ट्रेट जी जो है बता देती हूँ कौन कौन से वो एरियाज हैं जहां पे आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है जहां पे मार्क्स स्कोर करना कंपेरिटिवली आप थोड़े से एफर्ट्स लगाकर भी वो चैप्टर्स को आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं सो फर्स्ट टॉपिक इज दी रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम नाउ ये जो टॉपिक है ना बेटा हर बार हर अटेम्प्ट में देखा गया है कि मिनिमम फोर टू मैक्सिमम सिक्स मार्क का क्वेश्चन जो है वो इस एरिया से आता ही आता है सो वी हैव सम इंपॉर्टेंट एरिया डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज सेक्शन नंबर सिक्स जहां पे आप रेसिडेंशियल स्टेटस वाला जो एरिया है उस पर अच्छे से फोकस करिए ठीक है रेसिडेंशियल स्टेटस के बाद स्कोप ऑफ टोटल इनकम में वी हैव सेक्शन नंबर फाइव एंड सेक्शन नंबर जहां पे आपको बहुत ज्यादा करना है, Now, है ना मैम हम पढ़ तो लेंगे प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है तो आप परफेक्ट प्रैक्टिस करिए आपको यह चैप्टर जो है बहुत अच्छे से कवर हो गया नाउ वी हैव दी हाउस प्रॉपर्टी नाउ हाउस प्रॉपर्टी जो है बेटा काफी इजी एरिया है जहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा जो ध्यान देना है सेक्शन नंबर ट्वेंटी से मिलते हैं अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर ए एंड ट्वेंटी फोर बी सो सेक्शन ट्वेंटी फोर इंटरेस्ट का डिडक्शन जो है उसका कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अगेन देन अगर इंटरेस्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का है तो आपको डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा बट अगर आपने ऑप्शनल ऑप्ट opt करा है तो थर्टी थाउजेंड रिपेयर रिनोवेशन रिकंस्ट्रक्शन के लिए मिल जाएगा एंड टू लाख जो है अलग से एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन के लिए मिलता है बट अगर आपने रिपेयर रिनोवेशन रिकंस्ट्रक्शन एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन सब एक साथ कराए तो मैक्सिमम दो लाख से ज्यादा का इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा तो यह अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे होना बहुत जरूरी है ना आई देखो कई बार आप देखोगे आई एंड हाउस प्रॉपर्टी को मर्ज करके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड हाउस प्रॉपर्टी को मर्ज करके एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है इस टाइप के क्वेश्चन आपको परफेक्ट प्रैक्टिस में भी देखने को मिल जाएंगे ठीक है सो हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम अदरस इज एन एरिया अगेन बेटा क्लबिंग एंड सेट ऑफ ये दोनों जो पर्टिकुलर चैप्टर्स है ना इनकी इंपॉर्टेंस को हर बार इग्नोर किया जाता है हर बार ऐसे देखा जाता है अरे यार क्लबिंग तो छोटा है अरे यार सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड तो क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा बट इन एवरी सिंगल अटेम्प्ट मिनिमम फोर टू मैक्सिमम एट मार्क्स का पोर्शन इस एरिया से आता हुआ हमने कई बार हर अल्टरनेट अटेम्प्ट में देखा है एक बार क्लबिंग आ जाता है सीधा सिक्स मार्क्स का एक बार क्लबिंग आ जाता है सीधा फोर मार्क्स का या सेट ऑफ आ जाता है सीधा फोर मार्क्स का या सिक्स मार्क्स का तो हमें ये एरिया जो है ना जहां पर हमें इतने ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने हैं बट अगेन वेन वी आर प्रैक्टिसिंग सेम ठीक है यू कैन रिफर दी परफेक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन मिक्स मर्ज क्वेश्चन भी देखा गया है एंड परफेक्ट प्रैक्टिस में आपको इन दोनों ही चैप्टर्स के मिक्स मर्च क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर सम पॉइंट्स आर रिगार्डिंग दी क्लबिंग एंड सम पॉइंट्स आर रिगार्डिंग दी सेट ऑफ एंड अगेन व्हाट इज दी अमाउंट ऑफ लॉसेस दैट कैन बी दी कैरी फॉरवर्ड तो अगेन आप परफेक्ट प्रैक्टिस के क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये एरिया भी आपका बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा सिक्योर हो जाएगा नाउ वेन इट कम्स टू डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम सो आपके चैप्टर सिक्स ए के डिडक्शन दैट इज एटीसी से एटी यू डेफिनेटली वेदर इट इज अ टोटल कॉम्पिटेशन इनकम वाला जो क्वेश्चन आता है ठीक है टोटल इनकम कॉम्पिटेशन वाला वहाँ पर भी ये डिडक्शन आपको देखने को मिलते हैं एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो है ना हमारे इनकम बेस्ड डिडक्शन जैसे ए टी डबल जे डबल ए ठीक है ए टी 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 ए ए टी 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 बी ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है देन वी हैव सेक्शन टेन डबल ए इसका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना साथ ही साथ इसके साथ एएमटी के प्रोविजन को कंबाइंडली एक क्वेश्चन के थ्रू परफेक्ट प्रैक्टिस से ही आप क्या कर सकते हो रिवाइज कर सकते हो मतलब एक क्वेश्चन कर लिया तो सेक्शन टेन डबल ए का डिडक्शन भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा एएमटी भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा नाउ टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स अगेन दिस चैप्टर हंट स्टूडेंट सो मच रीजन बींग की मैम बहुत बड़ा चैप्टर है लेंदी चैप्टर है but

एमसीक्यू uh, में कुछ ऐसा डिस्क्रिप्टिव में तो हर जगह का आई एम गिविंग यू ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग टू फोर टू सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता ही है एंड प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम मैंडेटरली फोर मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस पर्टिकुलर एरिया से क्वेश्चन ना आए अगेन वी हैव सम इंपॉर्टेंट एरिया सेक्शन नंबर वन थर्टी नाइन सबसेक्शन वन सबसेक्शन फोर सबसेक्शन फाइव देन वी हैव अपडेटेड रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर अपडेटेड रिटर्न देन वी हैव दी प्रोविजन रिगार्डिंग दी पैन ठीक है आपको कब पैन के लिए अप्लाई करना होता है कौन से ट्रांजेक्शन में पैन के लिए कोड करना होता है पैन एंड आधार इंटरचेंजेबल वाला टॉपिक आधार अगर आपने पैन के साथ लिंक नहीं किया तो वट वुड बी दी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो वो एरियाज जो है ना बेटा इंपॉर्टेंट है सो हार्डली एट चैप्टर्स इफ यू आर हैविंग अ कमांड ऑन दीज जस्ट दीज एट चैप्टर्स ठीक है मैंने कौन कौन से बताया रेसिडेंशियल स्टेटस देन आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्लबिंग सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड डिडक्शन टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स एंड प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न इतना भी आप कर लेते हो आप आराम से ट्वेंटी फाइव टू थर्टी टीम मार्क्स ठीक है एंड मैं ये मजाक नहीं कर रू ना दिस इज बेसिकली अगर मैंने आर्ट टॉपिक बताया तो ये आर्ट टॉपिक आपको हंड्रेड परसेंट प्रिपेयर करना है ऐसा नहीं कि इन आर्ट टॉपिक्स में भी आप सेलेक्टिव हो रहे हो नहीं वी आर ऑलरेडी सेलेक्टिंग दी पोर्शन विच यू हैव टू फोकस ऑन ठीक है फ्रॉम दी हंड्रेड परसेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है ये बिल्कुल एग्जाम अप्रोच के हिसाब से आपको बताया जा रहा है तो आप आराम से ट्वेंटी फाइव टू थर्टी मार्क्स स्कोर कर सकते हैं ऑल्सो इफ आई टॉक अबाउट दी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इन द इनकम टैक्स देखो सैलरी में वी हैव द अमेंडमेंट इन दी रेंट फ्री अकोमोडेशन तो वो पार्ट आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर ऑल्सो वी हैव द एरिया रिगार्डिंग विच दी न्यू यू नो मेथडोलॉजी हैज बीन क्लैरिफाइड बाई दी आईसीआई की कैसे आपको कौन सी पॉलिसीज जो एक अप्रैल दो हजार तेईस के बाद इश्यू की गई है जिसके रिस्पेक्ट में एग्जेम्शन अवेल होती है कब अवेल नहीं होती है क्या क्या चीजें आपको देखनी पड़ती है तो वो एरिया को भी आपको ध्यान से कवर करना है देन वी हैव अ वेरी स्मॉल अमेंडमेंट इन रिटर्न ऑफ इनकम वाले टॉपिक में वी हैव अ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट टीडीएस टीसीएस के अंदर जहां पे TDS and TCS में अगर TDS की बात की जाए तो there is a separate new section 194 BA ठीक है winning from online games वहां पे आपको focus करना है TCS की अगर बात करें तो TCS में हमारा LRS में ठीक है we have a rates change ठीक है then OTPP overseas tour package program के केस में ठीक है we have a basically a date in the middle of the year that is 30th September 2023 उससे पहले क्या थी उसके बाद क्या थी तो ये कुछ important areas हैं जहां पे आप फोकस कर लेंगे सो गेट ऑल दी गो थ्रू ठीक है टू प्रिपेयर फॉर दी एग्जाम्स, राइट नाउ वी हैव दी पार्ट नंबर टू दैट इज जीएसटी सो देखो जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट में अगर आपने सेक्शन नंबर जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट एरिया है इसमें फोकस कर लो ए, जो आपका एग्जामिशन वाला एरिया क्लैरिफिकेशन के साथ आपको पढ़ना है ठीक है जो क्लैरफिकेशन जीएसटी के लिए बोली जा रही है वही क्लैरिफिकेशन जैसे मैंने आपको अभी इनकम टैक्स के लिए बताई आई एफ ओ एस चैप्टर में टीडीएस चैप्टर में ठीक है सो अगेन देयर आर क्लैरिफिकेशन एज वेल इन जीएसटी एज वेल वैल्यू ऑफ सप्लाई भी आपको यू you नो know, पूरी तरीके से कवर करना है अगेन टू प्रैक्टिस एंड गेट द मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक परफेक्ट प्रैक्टिस को आप अपना पार्ट बना लीजिए राइट सो आपका क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएगा एंड अगेन यू विल बी एबल टू रिवाइज दिस पोर्शन TDS, TCS.

this because again we have an important mcq area as well so this was all about the टैक्स दैट इज इनकम टैक्स एंड जीएसटी टूगेदर आई होप दिस पर्टिकुलर पार्ट इज क्लियर नाउ बेटा वेरी सून सो वी नीड अ स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बता दी है इसके साथ ही साथ वी नीड वन रिविजन एरिया जहां पर कम टाइम में हम पूरा चैप्टर फटाफट रिवाइज कर पाए जिसके लिए वी हैव दी परफेक्ट रिविजन बुक्स ठीक है तो आपको परफेक्ट रिविजन बुक्स बेटा टैक्स के लिए भी मिल जाएंगी ठीक है एंड ऑल अदर सब्जेक्ट इट्स अवेलेबल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो प्लीज गो